जाऊंगा जो मेट्रो आज बैठा मैं अंडरग्राउंड में हम लोग गए मेट्रो में चढ़ के हुए तो घर हुआ और मुझे दुख होता है जब सरकार बदल जाती है तो इतना बड़ा सेटबैक लगता है कोई सोच नहीं सकता। सोचना चाहिए, टाइम आ गया है। रिफाइनरी चल रही थी 38,000 करोड़ रिफाइनरी थी तेल निकलने के बाद बाड़मेर के अंदर, आज वो 72,000 करोड़ रिफाइनरी हो गई है। 72,000 करोड़ सोच सकते हो नुकसान किसका हुआ है, आम जनता के टैक्स के पैसे का हुआ है। सरकार बदलने मात्र से ऐसे में कई काम करा सकते हो आपको जो सरकार बदलने के बाद बंद कर दिए गए थे। हरदे जोशी के नाम की यूनिवर्सिटी थी पत्रकार के लिए, वो बंद कर दी गई। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का लॉ यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद कर दिया गया। हम बंद नहीं कर रहे हैं। ERCP की योजना वसुंधरा राजे के वक्त की है। दुख होता है जयपुर में शामिल उसके अंदर, अजमेर भी है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर, करौली, माधोपुर तो ही है, टोंक है, सब कुछ है। प्रधानमंत्री खुद ने इसी जयपुर के अंदर वादा किया था आप लोगों से, राष्ट्रीय परियोजना का जो मांग है उसको मैं सकारात्मक दृष्टिकोण देखूंगा। मांग किसकी थी? वसुंधरा जी की थी। मृदु कहता है मुझे दुख होता है प्रधानमंत्री कोई वादा करे 16 परियोजनाएं चल रही राष्ट्रीय परियोजना है, क्या एक परियोजना राजस्थान की 25 MP दिए जीता गया उनको, क्या एक परियोजना के लिए मंत्रियों का है? इतना निकम्मा नकारा मंत्री है वो। हमारा मंत्री अपना जोधपुर का MP क्या एक परियोजना घोषित नहीं कर सकती है? राष्ट्रीय परियोजना बानमारी करते हैं, लोग भ्रमित करते हैं। 25 MP क्या कर रहे हैं जयपुर के अंदर? पूछो MPओं को, जनता ने विश्वास किया आप पे, MP बना दिया, आप क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं उनके पास में।